अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर वन यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर कुछ वैसे क्वेश्चन को लेके आइए जो कि हमारे इम्तिहान में डायरेक्टली पूछ दिया जाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में 100 वैसे ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ। समझ सकते हैं कि आपका वायरल क्वेश्चन है यह सारा क्वेश्चन को, अगर आप पढ़ लेते हैं 100 ऑब्जेक्टिव, हो सकता है कि इसी से आपका 50 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाए, ठीक है। इसलिए इस क्लास को गलती से भी मिस नहीं करना है, पूरी कंप्लीट वीडियो को शुरू से लास्ट देख लेना है, आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का पूरा तैयारी से हो रहा है तो इधर उधर जाने की आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, जो कि मैं क्लास 12th वालों को 5 सेट प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैं बताया था सभी स्टूडेंट को कि सभी क्वेश्चन इसी के अंदर से ही आएगा। फाइनली क्लास 10th के लिए भी वो 5 सेट रेडी हो चुका है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है मेरे नंबर पर रबता करके पूरा कंप्लीट PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 950-821-4760। उसके लिए आपको कुछ फी लगेगा, 5 वायरल मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है मेरे नंबर पे रबता करके आप लोग ले सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हाशिया दे रखा है, दर्ज ज़ैल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, नसीम का पूरा नाम क्या था? नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 पूछ रखा है, ज़ेर निसाब मसहफे की मसनवी का उनवान बताइए। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जज्बे इश्क। सवाल नंबर 3 है, अफसाना अंग्रेजी बाबू की जुबान में है, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा, मैथिली जुबान में है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंत मूर्ति ने लिखा है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, दरख्त कौन सा इसमें है? दरख्त आपका इसमें नकरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसका दरख्त है। आम का भी हो सकता है, लीची का भी हो सकता है, किसी का भी दरख्त होता हो सकता है जिससे किसी आम किस्म की इल्म हो, वह आपका इसमें नकरा में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दरख्त से कोई भी किस्म पता नहीं चल रहा है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, माजी करीब की पहचान कीजिए, आपको डायरेक्टली मार देना है, जिसमें भी वह जिसके लास्ट में भी है आए आपको समझ लेना है, यही माजी करीब होगा 100%। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वह खाया है, वह आया है, वह सोया है, वह लिखा है, वह पढ़ा है, वह जो भी जिसके भी लास्ट में आपका हार दिख जाए आप लोगों को मार देना है डायरेक्टली, कि यही आपका माजी करीब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फाइनली राइट आंसर है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इसमें नकरा की पहचान कीजिए, मैं आप लोगों को बता दिया हूं जिससे किसी आम किस्म का इल्म हो वह आपका इसमें नकरा हो जाएगा। इसका दूसरा नाम ही है इसमें आम, इसमें नकरा का दूसरा नाम क्या है? इसमें आम, यहां पे शहर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मशरिक की जिद क्या होगी? मशरिक का मीनिंग होता है आपका पूरब, क्या होता है? मशरिक का मीनिंग क्या होता है? पूरब, और उसका उल्टा ऑपोजिट आपको बताना है। मशरिक का मगरिब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मगरिब का मीनिंग होता है पश्चिम। चलिए सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं, वकील की जमा क्या होगी? वकील की जमा होती है वकुला, ऑप्शन नंबर ए यहां पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, मलयालम किस रियासत की जुबान है? सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरला की जुबान है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंटर जुबान की कहानी है। 12 नंबर क्वेश्चन, काजिब की जिद क्या होगी? तो आपका सादिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किस्ब की जिद क्या होगी? किस्ब का मतलब होता है झूठाई, और सिद्क का मतलब होता है सच्चाई, यहां पे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्क। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, बज्मे कायनात में खुदा का क्या है? बज्मे कायनात में खुदा का अक्स है, और ऐन से आपको अक्स मारना, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? 1980 में सोहेल अजीम आबादी की वफात हुई थी, ध्यान रखिएगा 1911 में सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी, 1980 में सोहेल अजीम आबादी की वफात हुई थी। उनवान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो उनवान भाभी जान सोहेल अजीम आबादी का ही लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो अफसाना भाभी जान ही हमारे निसाब में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे आप लोगों ने जो भी बता रखा है बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर तो हो चुका है, और 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की? सोहेल अजीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे, कमर जहां की किसी एक
तनकीदी तसनीफ का नाम लिखिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुर्फे आगही, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। सवाल नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीन मसला है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला। सवाल नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला था। जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 22 नंबर पूछ रखा है, सर सैयद की पैदाइश कहां हुई। सवाल नंबर 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी सर सैयद अहमद खान की पैदाइश। 23 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद के आबा व अजदा किस मुल्क से दिल्ली आए। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान से दिल्ली आए थे। 24 नंबर क्वेश्चन, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। और ध्यान रखना है गालिब की शादी हुई थी 13 साल की उम्र में। आप लोग कंफ्यूजन होकर के इसका मत मार देना कि 13 साल की उम्र में हुआ था, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूफी ने किया था, यानी मां की, वो क्या होता है, फूफी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, आर्यभट्ट ने किस साइंस दा की रहनुमाई की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। 26 नंबर ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, चांद किसका तवाफ करता है। सवाल नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमीन की तवाफ करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, अगर यहीं पे पूछ देता कि जमीन किसका तवाफ करती है, आपको बता देना था सूरज का तवाफ करती है, बट यहां पे आपको चांद पूछ रखा है, इसलिए जमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 28 नंबर पे अमीर की जिद क्या होगी। अमीर की जिद आपका काफी इजी क्वेश्चन, यहां पे जिद यानी उल्टा पूछ रखा है, अमीर का आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट गरीब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, मक्तूब की जमा क्या होगी। मक्तूब की जमा आपका मक्तूबात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सॉरी मकतूब की जमा पूछ रखा है ना, मकतब की जमा होती है मकतूब, और मकातिब हो जाएगा आपका, मकतूब की जमा आपका मकातिब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, दर्ज जैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। यहाँ पे आप लोग फटाफट से मैच कीजिए, कौन सा लफ्ज आपको मुअन्नस लग रहा है, फटाफट देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शोहरत, ये क्या है, शोहरत मिलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप लोगों को जुमला बनाने में भी आ सकता है, तो आप लोगों को बना देना शोहरत। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दीन ईद और रात शबे बारात होना का मतलब है। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश होना, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ। सवाल नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को सोच करके रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1880 में शाया हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शहबाद की रुबाइयात के एक मजमू का नाम लिखिए। रुबाइयात शहबाद ऑप्शन नंबर ए, काफी ईजी आप लोगों को याद करने के लिए याद रहेगा, शहबाद पूछ दिए तो लास्ट में आपको शहबाद लगाना है, सिर्फ रुबाइयात शहबाद, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ईदगाह क्या है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ईदगाह हो गया, मदरसा हो गया, दरसगाह हो गया, स्कूल हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, यानी जिससे भी किसी जगह या फिर वक्त का इल्म हो वो आपका इसमें ज़र्फ में आता है। यहां पे इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। किसी वक्त या फिर जगह का इल्म हो जब भी वो इसमें ज़र्फ में आता है, इसमें ज़र्फ की दो कैटेगरीज में बटा गया है, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। आपको यहां पे पूछ रखा है कि किस क्या है, तो आप देखिए ज़र्फ ज़मान ने ही पूछ रखा है, ना ही ज़र्फ मकान पूछ रखा है, डायरेक्टली आपको इसमें ज़र्फ पूछ रखा है, तो इसमें ज़र्फ में ही आता है ना ईदगाह, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज ज़ैल में से माजी सिक्किया कौन है, जिसमें शक पैदा हो, जिसमें शक हो सुबह पता चले, वो आपका माजी सिक्किया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह पड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आप लोग सोचते रहे और फटाफट से आप लोग यहां पे आंसर देख लें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, 36 नंबर पे जिस्म की जिद क्या होगी, जिस्म की जिद आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूह होती है, जिस्म की जिद क्या होती है, रूह, फटाफट से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कॉल किसका है, यह कॉल आपका गालिब का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कॉल किसका है, गालिब का है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शामिल निसाब इंटरव्यू किसका शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग सोच के रखिए। 38 नंबर क्वेश्चन का, चलो बहुत अच्छा, 38 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है, बेदी से इंटरव्यू लिया था, बिल्कुल सही है। शामिल निसाब इंटरव्यू में किससे किसका इंटरव्यू लिया गया था, तो
बेदी से इंटरव्यू कौन लिया था? फैयाज रफात। आप लोगों को मालूम नहीं होगा क्योंकि वो आपका साथ किस चैप्टर में बाहर दिया हुआ चैप्टर के, इसलिए आप लोग कंप्लीट पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको जहन में नहीं रहेगा। इंटरव्यू लेने का नाम था फैयाज रफात, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, बेदी को उर्दू अफसाना का खुदा किसने करार दिया था? 39 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोगों को सोचना है और मैं जवाब दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा अहमद अब्बास। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकरम रोटी खाता है, मैं अकरम क्या है? सवाल नंबर 40 का क्या होगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है फाइल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि खाने का काम अकरम कर रहा है, जिससे आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, फाइल को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाला आपका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। इसलिए फाइल यहां पे क्या हो जाएगा? अकरम हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से इसमें सिफत की निशानदेही कीजिए, जिसमें किसी चीज की खूबी या खराबी पता चले वो आपका इसमें सिफत में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? फरबा। फरबा का मीनिंग होता है मोटा। इसमें क्या पता चल रहा है? किसी लड़का अगर मोटा है, अगर बोलेंगे कि अहमद फरबा लड़का है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सिफत जाहिर हो रहा है। यहां पे ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर आपके सामने में, जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आजाद किस ओहदे पर फाइज थे? 42 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग जवाब सोचिए। चलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोबे उर्दू की जो है इससे इसी ओहदे पर फाइज थे। कौन थे? जगन्नाथ आजाद। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, निदा फाजली के अफराद खानदान कहां चले गए? 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान चले गए थे निदा फाजली के अफराद खानदान, यानी खानदान के सभी अफराद कहां चले गए थे? पाकिस्तान। 44 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजली की फिल्म सनात में नगमा निगारी के अलावा और क्या मसरूफियत थी? सवाल नंबर 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकालेमा निगारी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सैयद मोहम्मद जाफरी कहां पैदा हुए? सवाल नंबर 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में पैदा हुए। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज्म खराडीनर के शायर कौन है? सवाल नंबर 46 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? तो गालिब की उम्र कितनी थी आप लोग फटाफट सोचिए। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 साल की उम्र में थी। वालिद की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र में थी? कितनी उम्र थी? तो 5 साल की उम्र थी गालिब की। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर आपके सामने में, शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो आरिफ की मौत पर लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? शौक लखनवी। आप लोग बताएंगे फटाफट से, चले बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां पे जो भी ऑप्शन नंबर सी बताया है वो सही हो जाएगा, आतिश लखनवी हो जाएगा, शौक लखनवी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है ना दोनों में, शौक लखनवी और आतिश लखनवी। यहां पे ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है, आतिश लखनवी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुबारक अजीम आबादी के मुंतखिब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग फटाफट से बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवे दाग के नाम से शाया हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गजल अरबी की किस सिंफ से माखूज है? सवाल नंबर 51 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसीदा से माखूज है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह पहले बिहार के किस शहर में मुशायरा पढ़ा? सवाल नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा फटाफट आप लोगों को बताना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां पे दरभंगा जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हसन नईम की वफात कब हुई थी? सवाल नंबर 53 का फटाफट आप लोग आंसर सोचिए और मैं जवाब आप लोगों को दे रहा हूं। यहां पे 1991 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। 54 नंबर पे, अंग्रेजी के बाद प्रवीण शाकिर ने किस मजमून में एमए किया? सवाल नंबर 54 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लिसानियात हो जाएगा, लिसानियात में एमए किया था। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, प्रवीण शाकिर जो किस हैसियत से मशहूर है? सवाल नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिसानियात में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, प्रवीण शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? सॉरी, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो होगा ही ए, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा, गजल को हो जाएगा। प्रवीण शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? तो गजल को की हैसियत से प्रवीण शाकिर क्या है? मशहूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, दरअसल में क्या पूछ रखा है? दर्ज़ज़ैल में मसनवी में फेल हाल की पहचान, सॉरी दर्ज़ज़ैल मिसालों में पूछ रखा है, मसनवी नहीं है, दर्ज़ज़ैल मिसालों में से फेल हाल की पहचान कीजिए। मैं आप लोगों को बताया था जिसके भी लास्ट में हा आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? फेल हाल हो जाएगा। वह खाता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह आपका क्या हो जाएगा? वह सोता है, या आपका क्या हो जाएगा? फेल हाल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? वह खाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ भी लास्ट में
खा आ रहा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन होकर के इसको मत मार देना। यहाँ पे देखिए वह खा चुका है, ये काम क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है पहले से ही, तो ये फेल हाल में नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस में आएगा। किस में आएगा, ये पास्ट में आएगा, यानी गुजरा हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग माजी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सेंटेंस पे भी ध्यान देना, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फाइनली ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, उसूल की जिद क्या होगी, उसूल की जिद फटाफट से आप लोग पहले सोचिए। पहले सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसूल की जिद क्या होती है, फरो होती है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, आखिर की जमा क्या होगी, तो आखिर की जमा होती है अवाखिर। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज ज़ैल में साबका किस लफ्ज में है, साबका ध्यान रखिएगा, जिसके लास्ट में आपका आए कोई भी लफ्ज आपका लास्ट में जुड़े तो वो लाहे का होता है, नाम से लास्ट, नाम से लाहे का, उसके बाद सीन से शुरू, सीन से साबे का, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बा शुरू में जुड़ा है, बा शऊर, शऊर के शुरू में बा जुड़ का जुड़ करके, यानी बा लग करके उसके मीनिंग को तब्दीली कर दिया, अलग कर दिया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी बा शऊर। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से देख लेते हैं, मुलाजिमत से सुबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहां सुकूनत पेजीर हुए, सवाल नंबर 60 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ में हुए थे। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी, सवाल नंबर 61 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। चलो बहुत अच्छा, 61 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है, 1935 ईस्वी में। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सलाम मछली शहरी की पहली नज़्म का अनुमान क्या था, 62 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों को जवाब करना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, यहां पे काफी खुशी की बात है, आप लोगों का तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी है। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरंग ख्याल हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, उर्दू किस तहजीब की जुबान है, सवाल नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मुश्तरक की तहजीब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, तेरा दोई किस अफसाने की किरदार है, तो यहां पे 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाली संदूक हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखिएगा आप लोग, 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस जुबान से निकली है, फटाफट आप लोग पहले सोचिए। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरी बोली से हिंदी जुबान निकली है। 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ था, पटना कॉलेज से जो किस कॉलेज में हुआ था डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तबादला, यानी उनकी रिटायरमेंट जो हुआ था, मतलब इस किस कॉलेज से किस कॉलेज में गया था, ठीक है, आप लोग सीधे भाषा में समझेंगे। तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BNA कॉलेज हुआ था, ठीक है, BNA कॉलेज से, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ था, तो BNA कॉलेज में हुआ था, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके हिसाब में शामिल है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदब की पहचान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके हिसाब में शामिल है, तो अदब की पहचान। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी, 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मराठी जुबान थी। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, भीमराव कितने साल के थे, क्या उनकी वाल हो गया था, 69 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों को बताना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर बी यानी 5 साल की उम्र में भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, तो 5 साल की उम्र में जब थे भीमराव तो ये उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, ठीक है, आप लोग फटाफट से एक बार सोचिए। और 69 का ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, यानी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है 6 साल शायद किसका होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा बताएं कि मैं सही था या गलत था, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA थे, 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लुत्फुर रहमान का नानिहाल कहां था, जहां उनकी पैदाइश हुई थी, तो लुत्फुर रहमान के नानिहाल का नाम था बुनियापुर छपड़ा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मुंगरपुर छपड़ा यहाँ पे नहीं, बुनियापुर छपड़ा वाला जो भी स्टूडेंट बता रखा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोगों ने बता रखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यहाँ पे आपका बुनियापुर छपड़ा हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जाकिर क्या है, फटाफट बताइएगा, जाकिर कोई भी नाम है, 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसम फाइल हो जाएगा, क्योंकि जो भी नाम हो ना वो इसम फाइल में ही आता है, ठीक है, जब भी इस तरह का ऑप्शन आए ऑप्शन देख करके ही मारना पड़ता है आप लोगों को, यहाँ पे इसम मफूल तो होगा नहीं, इसमें सिफत भी होगा नहीं, हासिल मजदर भी होगा नहीं, लास्ट में बचा क्या, ऑप्शन में इसम फाइल, क्योंकि जाकिर कोई आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, काम करने वाला होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, 73 नंबर क्वेश्चन, दर्ज ज़ैल में माजी बैत की मिसाल कौन है,
जिससे गुजरा हुआ जमाना समझा जाए, पास्ट टेंस कह सकते हैं आप लोग। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा जमाना आप लोगों को गुजरा हुआ लग रहा है। मैं खाया था, यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए ही तो लग रहा है, यहां पे चोर की तरह बैठा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फराइज का वाहिद क्या होगा। फराइज का वाहिद पूछ रखा है, यानी फर्ज की जमा है फराइज, ऑप्शन नंबर बी वाला यहां पे बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां पे बिल्कुल सही सही क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है सभी क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, सबर का मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ ध्यान रखिएगा, मुतरादिफ किसको कहते हैं पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे पहले आंसर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, जब्त हो जाएगा। सब्र का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। यानी मुतरादिफ का मीनिंग है कि जब्त का मीनिंग भी वही सब्र होता है, सब्र कहें या फिर जब्त कहें, यहाँ पे अपना आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, 100% डाउट है, ये जब्त नहीं होगा आपका। सब्र का मुतरादिफ लिखिए, तो मुतरादिफ आपका बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि सब्र रखिए बर्दाश्त रखिए, ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, नासह का मतलब होता है, तो नासह का मतलब होता है नसीहत करने वाला, ये मीनिंग से पूछ दिया है आप लोगों को ना, क्या कहां से पूछ लिया है, तो मीनिंग से पूछ लिया है, नसीहत करने वाला हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर पे पूछ रखा है, नजीर अहमद की वफात कब हुई। 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1910 ईस्वी में नजीर अहमद की क्या हुई थी, वफात हुई, नजीर अहमद की वफात हुई थी। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और यहाँ पे 1910 ही होना चाहिए, ठीक है, चलो ध्यान रखिए आप लोग 1910 को ही, ठीक। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वाकफियत क्या है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफत है। वाकफियत क्या हो जाएगा आपका, सिफत हो जाएगा, क्योंकि फाइल तो होगा नहीं, जो काम करने वाला होता है वो फाइल होता है, मौसूफ भी होगा नहीं, उसके बाद मफूल भी होगा नहीं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, वाकफियत सिफत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की, चलो फटाफट जवाब आना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, नसरुल्ला बेग, बिल्कुल सही है, फरतुल्ला बेग, किसका, उनके वालिद का नाम, तो यहाँ पे नसरुल्ला बेग हो जाएगा, ठीक है, और उनका बाप का नाम तो भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। गालिब के चचा का क्या नाम था, नसरुल्ला बेग था, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, 81 नंबर क्वेश्चन के, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की, तो मौलवी मुअज्जम से ही इब्तदाई तालीम हासिल किया था गालिब ने। 82 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किस के नाम लिखा है, तो बेटी के नाम, ये क्या लिखा है, मकतूब का मतलब होता है मकतूब, वही खतूत को ही कहते हैं मकतूब, ध्यान रखिएगा। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक बिहार से ही था। 83 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, बिहार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, मेहदी उफादी की पैदाइश कब हुई। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1828 में मेहदी उफादी की क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी, पैदाइश पूछ रखा है आप लोगों को। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी उफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख खानदान से था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर शेख खानदान से था। 86 नंबर क्वेश्चन, मेहदी के वालिद क्या करते थे। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर थे, ठीक है, पुलिस थे मेहदी के वालिद, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था। 87 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमानी तहरीक का, ठीक। उसके बाद आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि 88 नंबर क्वेश्चन, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को बताना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, चकबस्त की वफात किस बीमारी में हुई थी, तो आपको फटाफट से पहले सोच के रखना है। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, फालिज के वजह से, दिमाग पर फालिज होने की वजह से ये स्टेशन पे ही इनकी जो है क्या हो गई थी, वफात हो गई थी। कहाँ पे, जगह का नाम है राय बरेली में, ठीक। देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, चकबस्त की वफात कहाँ हुई, देखिएगा यहाँ पे राय बरेली भी दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन, मसनवी किस जुबान के तौसीफ से उर्दू में शामिल हुए। 91 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी जुबान से। उसके बाद आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन के, दर्जैन में से मसनवी निगार शायर कौन थे। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग पहले एक बार सोचिए 92 नंबर क्वेश्चन का, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है, मीर हसन।
दरअसल में मसनवी निगार शायर कौन है, मीर तकी मीर भी होना चाहिए, बट यहाँ पे आप लोग पहले ध्यान रखिएगा, मीर अनीस भी मसनवी ही लिखता था, ठीक। और यहाँ पे मीर हसन आप लोगों को मानना है। यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शौक का खानदानी पेशा क्या था, शौक लखनवी का जो है खानदानी पेशा क्या था। 93 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तबाबत का था, किसका था, तो तबाबत का ध्यान रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन मसहफी के उर्दू फारसी के कितने दीवान तैयार हुए। यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 7 दीवान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 95 नंबर क्वेश्चन में कि कर्नाटक की जुबान क्या है, तो कर्नाटक की जुबान आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंटर हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन, इनमें सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन है, 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारिश की एक सुबह। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया, 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन राय समेजी हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती जवाय किस तरह का मजमुआ गए, 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नफ्सियाती मजामीन हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन, जख्म के फूल की शायरी का शेरी मजमुआ है, सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे, 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलिम दीन था, ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने पूरे कंप्लीट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलो यहां पे मिलते हैं हम लोग, या ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, आप लोगों को एक शेयर और लाइक करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भले नहीं करें लेकिन अपने सभी फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी फायदा हासिल हो सके। चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।